नमस्कार दोस्तों, कुकिंग विद हिमांशी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाव भाजी मसाला पाउडर। इसे हमने साबुत मसालों की सहायता से घर पर ही बनाकर तैयार किया है। यह मसाला स्वाद और महक में काफ़ी अच्छा होता है और बाज़ार के पैकेट के मसाले की तुलना में यह मसाला काफ़ी समय तक ऐसे ही बरकरार रहता है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमने जितने भी मसाले चाहिए थे उनको एक अलग प्लेट में निकाल कर रख दिया है, जिसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 8 बड़ी चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 20 लाल मिर्च साबुत, 10 बड़ी इलायची, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च के दाने, 1 छोटी चम्मच लौंग, 1 बड़ा चम्मच सौंठ पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच खटाई, 1 बड़ा चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच अजवाइन। सबसे पहले हम साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और अजवाइन को पैन में डालकर 1-2 मिनट तक धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। यह मसाला हम इसलिए भून रहे हैं ताकि इसकी जो नमी है वह इसके अंदर से निकल जाए। आप इसे बिना घी के ही रोस्ट करें, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करें। और एक बार यह मसाला अच्छे से भुन जाए, इसमें से अच्छी सी महक आने लगेगी। महक आने के बाद आप आंच को बंद कर दें और भुने हुए मसालों को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दें। मसाले ठंडे होने में 10 से 15 मिनट का समय लेते हैं। जब हमारे मसाले ठंडे हो जाएं, तो हम सभी चीज़ों को मिक्सर में बारीक पीस लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। हमारा पाउडर अच्छे से पिसकर तैयार हो चुका है। आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर काफ़ी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि मसाला कैसा बना और आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।